Hello friends, your friend editor Vaishali is here. In today's videos, I will explain you some formulas which you will use multiple times in this chapter. First is your cuboid. इस shape को हम क्या बोलते हैं? Cuboid. जिसमें आपके 6 rectangular face होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? Cuboid. In previous video, I already explained you what is volume. Volume आपका क्या होता है? जो object आपका space occupy करता है, उस measurement को आप क्या बोलते थे? Volume. Suppose करो ये आपका cuboid है, आपने इसे table पे रखा, तो ये कितना space occupy करेगा? ये length, ये breadth, और this is your height. So length into breadth into height. Now टोटल सरफेस एरिया, जितने भी फेसेस हैं उनके आउटर लेयर, दैट इज योर सरफेस. उनका फॉर्मूला आपका क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस दिस हाइट इनटू लेंथ. ओके, एंड यू विल मल्टीप्लाई विद टू. व्हाई यू विल मल्टीप्लाई विद टू? बिकॉज ऐसे टोटल आपके पास कितने हैं? ईच लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे आपके पास टू हैं. फिर ब्रेथ इनटू हाइट, ऐसे भी आपके पास टू हैं. देन हाइट इनटू लेंथ, फ्रंट एंड बैक, ऐसे भी आपके पास कितने फेस हैं? टू है. सो यू विल मल्टीप्लाई विद टू. नाउ लैटरल सरफेस एरिया, सो दैट इज लेंथ प्लस ब्रेथ देन हाइट विद मल्टीप्लाई विद टू. सो दैट इज योर लैटरल सरफेस एरिया. ओके, नाउ सेकेंड इज योर क्यूब. क्यूब में आपका क्या होता है? देर आर 6 फेस ऑफ स्क्वायर. क्यूबॉइड में 6 फेस ऑफ रेक्टेंगुलर शेप होते हैं और यहाँ पे 6 फेस ऑफ स्क्वायर्स होते हैं. सो यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ भी आपका सेम होगा और हाइट भी आपका सेम होगा. लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, सभी साइड्स की वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली सेम. सो एल इंटू एल इंटू एल, आपका एल क्यूब हो जाएगा. टोटल सरफेस एरिया, अभी इसमें आपका सरफेस एरिया कैसा होगा? ऐसे फेसेस आपके पास कितने थे? 6 फेस हैं और लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू एल, दैट इज योर 6 एल स्क्वेयर. नाउ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में आप क्या करते हो? अपर एंड लोअर पार्ट को हटा देते हो. मतलब 6 फेस से आपके कितने फेस हो जाते हैं? टोटल 4 फेस हो जाते हैं. दैट्स व्हाई यू विल राइट 4 इंटू एल स्क्वेयर. ओके, नाउ थर्ड शेप इज योर सिलेंडर शेप. इन दिस शेप योर बेस, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर अपर साइड. दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर हाइट. नाउ यू हैव टू राइट वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगा? जितना भी स्पेस आपका ऑक्यूपाई होता है, तो जो भी आपका बेस है वो क्या होता है? सर्कल. सो पाई आर स्क्वेयर इनटू हाइट एच, एग्जैक्टली लाइक क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ एंड हाइट. तो यहाँ पे आपका बेस में क्या था? सर्कल. सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर इनटू हाइट. सो पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका वॉल्यूम. सो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होगा? आउटर लेयर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इन अ ब्रैकेट आर प्लस एच. मतलब टोटल सरफेस एरिया में आप बॉटम एंड अपर पार्ट को भी कंसिडर करोगे, तो ये क्या हो गया आपका? 2 पाई आर आर प्लस एच. सो 2 पाई आर इन अ ब्रैकेट आर प्लस एच. नाउ यू वॉन्ट टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया. फॉर कर्व सरफेस एरिया यू विल नॉट कंसिडर अपर एंड लोअर पार्ट, ओनली यू हैव टू कंसिडर साइड्स पार्ट. सो दैट विल बी 2 पाई आर एंड दिस एच. 2 पाई आर क्यों हो गया? सर्कल बनेगा बीच में इसलिए, एंड दिस इज योर एच. सो 2 पाई आर इंटू एच. नाउ फोर्थ वन इज योर कोन. अभी कोन 3D में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा. यू हैव टू फाइंड स्लैन हाइट. तो स्लैन हाइट आपकी क्या होती है? जो कोन में ये शेप होता है ना स्लोप जैसा, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लैन हाइट. डिनोट किससे करते हैं? एल से. ओके, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. वाई? बिकॉज यहाँ पे आपका क्या बनता है?
90 डिग्री। 90 डिग्री में पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड एल आपका क्या है, जो ये स्लोप जैसी लाइन दिख रही है, ये आपका होता है स्लैन हाइट। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पूरा आउटर लेयर इंक्लूडिंग अपर एंड लोअर पार्ट ऑल्सो। सो दिस विल बी पाई इंटू आर इन अ ब्रैकेट आर प्लस एल। सो पाई इंटू आर एंड दिस विल बी योर आर प्लस एल। नाउ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में आप क्या करोगे, जो अपर एंड लोअर पार्ट है उसे क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे, उसे सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आपके पास क्या होगा, पाई इंटू आर इंटू एल। ओके, नाउ वॉल्यूम। अगर आपको कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, वो हमेशा क्या होता है, 1/3 होता है। रीज़न, क्योंकि कोन आपका इस शेप में होता है। सी, कोन आपका इस शेप में होता है, तो वो क्या है आपका, 1/3 होता है सर्कल का। सो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ अ सर्कल इंटू दिस हाइट एच। सो वॉल्यूम विल बी 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर। तो अगर आप किसी स्पीयर को टेबल पे रखते हो, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका फॉर्मूला क्या है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ओके, एंड सरफेस एरिया क्या है, ये पूरा आपका सरफेस एरिया है 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। नाउ लास्ट, दैट इज हेमिस्फीयर। जो स्पीयर को हम लोग मिडिल पार्ट से कट करेंगे, तो वो हो जाता है आपका हेमिस्फीयर। इसकी वॉल्यूम कितनी है, 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। स्पीयर 4 पाई आर स्क्वायर है एंड हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर है। वॉल्यूम स्पीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। नाउ कर्व सरफेस एरिया, लाइक आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इन दिस यू विल नॉट कंसिडर अपर एंड लोअर पार्ट, ओनली साइड, दैट इज कर्व पार्ट यू विल कंसिडर। सो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। दिस पार्ट इज योर 2 पाई आर स्क्वायर। Hope so you are clear with your doubts. If you like the video, please share and subscribe.